जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों अगर आप सुविधा कर्मचारी हैं तो आपके लिए अच्छी खबर आ चुकी है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आ चुका है जिसको लेकर कई सुविधा कर्मचारी को इंतजार था क्योंकि उनके वेतन में बढ़ोतरी होने वाली है। साथ ही कई सुविधा कर्मचारी को हटाया गया था उसको लेकर भी आपके उच्चतम न्यायालय का है फैसला आ चुका है। साथ ही आपको कोरोना भत्ता भी मिलने वाला है। कौन से राज्यों में वेतन में आपकी बढ़ोतरी होने वाली है, साथ ही कौन से डिपार्टमेंट में होने वाली है, इसके अलावा आपको कितना कोरोना भत्ता मिलने वाला है, कब तक आपको भत्ता मिलने वाला है, सभी बड़ी खबरें इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को अपन तक जरूर देखिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अपने साथी दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर जरूर शेयर करें। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर जरूर प्रेस कर लें क्योंकि लगातार दोस्तों सुविधा संबंधी न्यूज हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहते हैं। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, आप कौन से राज्य में सुविधा कर्मचारी के तौर पर कार्य करते हैं, साथ ही कौन से डिपार्टमेंट में और हाल फिलहाल में दोस्तों आपको कितना मानदेय दिया जा रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर बताएं क्योंकि लगातार दोस्तों जो भी सुविधा कर्मचारी संबंधी मांगे होती हैं हम उनको उठाते रहते हैं, साथ ही सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं ताकि सुविधा कर्मचारी को है वो नियमित वेतन मिले, साथ ही उनका नियमितकरण किया जाए, इसके अलावा उनके मानदेय में है आपकी बढ़ोतरी की जाए। साथ ही किसी डिपार्टमेंट में सुविधा कर्मचारी को निकाला जाता है उनकी मांगे भी हम लगातार उठाते रहते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं क्या आपकी न्यूज आ रही है। उच्च न्यायालय के फैसले से सुविधा कर्मचारियों में हर्जिया। दोस्तों इस फैसले को हम लगातार उठा रहे थे कि जो भी आपके बिहार पटना में जो भी आपके यहाँ कर्मचारी को निकाला जा रहा था उनको लेकर हम भी इसको मांग उठा रहे थे कि उनको नहीं निकाला जाए। नगर पंचायत साथ ही नगर परिषद में कार्य कर सुविधा कर्मचारी को हटाए जाने के विरोध बिहार आपके लोकल बॉडीज एम्प्लॉय फेडरेशन के बैनर तले उच्च न्यायालय पटना में दाखिल याचिका पर न्यायालय द्वारा कर्मियों को नहीं हटाए जाने के फैसले पर नगर पालिका कर्मियों में हर्ष व्याप्त है। इस फैसले को ऐतिहासिक जीत बताते हुए नगर पंचायत बहड़िया कर्मचारी मजदूर संघ के मंत्री ब्रजेंद्र शर्मा ने कहा कि पटना उच्च न्यायालय ने नगर विकास विभाग से आदेश पर तत्काल रोक लगा दी जिसमें दैनिक मजदूरों को हटाने का आदेश है वो निर्गत किया गया था। दोस्तों ये आदेश 28 जनवरी को जारी किया गया था पर दोस्तों पटना हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है, यानी अब है कर्मचारी को नहीं निकाला जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बता देना चाहते हैं इनके मानदेय में भी आपकी बंपर बढ़ोतरी होने वाली है। दोस्तों अगर आप कोरोना वॉरियर के तौर पर कार्य करते हैं, कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट में हैं और सुविधा कर्मचारी के तौर पर कार्यरत हैं तो आपको कोरोना भत्ता मिलने वाला है। साथ ही आपके मानदेय में भी है बंपर बढ़ोतरी सरकार करने जा रही है क्योंकि दोस्तों सरकार एक नया नियम ला रही है जिसके तहत कोरोना वॉरियर को आपके अलग से मानदेय है वो दिया जाएगा, यानी फिक्स आपको मानदेय दिया जाने वाला है। साथ ही आपको टाइमली मानदेय है वो दिया जाने वाला है। इसके अलावा कोरोना भत्ता भी आपको मिलने वाला है क्योंकि इस कोरोना दौर में इस कोरोना महामारी की वजह से लगातार जो भी कोरोना हैं वो लगातार अपनी जान को जोखिम में रखकर काम कर रहे हैं, तो इसकी वजह से आपके कई राज्यों में मानदेय बढ़ाया जाएगा। लगातार दोस्तों सुविधा कर्मचारी संबंधी न्यूज हम आपको दे रहे हैं, तो दोस्तों हमारे चैनल के साथ आप बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।